नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रेलवे की एक ऐसी ट्रेन के बारे में जो लगातार घाटे में चल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेजस एक्सप्रेस की। तेजस एक्सप्रेस एक प्रीमियम ट्रेन है जिसे भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए शुरू किया था। इसे निजी ऑपरेटर्स को संचालित करने के लिए दिया गया था। फिलहाल दिल्ली लखनऊ और मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलती है। क्यों हो रहा है नुकसान? यात्रियों की कमी, तेजस ट्रेन में कई सीटें खाली रह जाती हैं। राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस सस्ती होने के कारण यात्री इन्हें प्राथमिकता देते हैं। तेजस का किराया अन्य ट्रेनों के मुकाबले थोड़ा अधिक है। कोरोना महामारी के कारण कई बार ट्रेन का संचालन बंद करना पड़ा। साल 2022 में दिल्ली लखनऊ तेजस 27.54 करोड़ रुपए के घाटे में रही। दोनों रूटों पर मिलाकर 3 साल में 62.70 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। IRCTC का कहना है कि कोरोना काल में ट्रेनें बंद रहने के बावजूद उन्हें किराया देना पड़ा। तेजस एक्सप्रेस एक अच्छी पहल थी, लेकिन कई कारणों से यह घाटे में चल रही है। क्या आपको लगता है कि इस ट्रेन को बंद कर देना चाहिए या फिर इसमें कुछ बदलाव करके इसे लाभदायक बनाया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।